यस वी आर लाइव नाउ। ओके हाँ जी बच्चे शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बच्चे यंग्स डबल थ्रिल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करनी थी लेकिन नहीं कर पाए, है ना। तो इंटरफेरेंस थ्योरी जो है उसके बारे में आपको बेसिक्स बता दिए। इनफैक्ट मैंने रिकॉर्डिंग भी भेज दिया था, कुछ बच्चों को बफरिंग इश्यू आ रहा था तो वो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया है, सो दैट आप उसको जो इनकम्प्लीट रह गया है, जो पेंडिंग है जिसका भी, वो कम्प्लीट कर ले। देखो भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरह की बातें हमने करी थी, और कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसकी भी बात हम लोगों ने करी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारे पास में फेज डिफरेंस आता है बच्चों, फेज डिफरेंस वो क्या आता है, फाई इज इक्वल टू 2n π। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक। अब फाई और डेल्टा x, यानी कि फाई हमारा फेज डिफरेंस है और डेल्टा x हमारा पाथ डिफरेंस है, दोनों में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। वी हैव द रिलेशन बिटवीन द टू, फाई इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x, ठीक है जी। तो हमने यहां से एक कंडीशन डिराइव कर दी थी कि डेल्टा एक्स जो है वो हमारा एन टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा, और एन यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 onwards 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जब भी होगा, वेन एवर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, आपको हमेशा ही मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा इज प्लूरल ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमा मिलेंगे आपको, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास में किसकी कंडीशन आ गई बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास कंडीशन थी फाइ इज इक्वल टू 2n-1 into π, वेर एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n 0 हमारी कंडीशन है किसके लिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। आज मैं यंग डबल स्लिट कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या चीज है। n 0 नहीं है, n की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कर सकते हैं। आपकी एसएल अरोड़ा में यहाँ पे 2n+1 लिखा होगा, उनके हिसाब से n 0 जो है वो हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है, आप इस चीज को याद रखना। जैसा कंस्ट्रक्टिव में है 2n π n 0 1 2, और डिस्ट्रक्टिव में n 1 2 3, सेम पैटर्न जो है हम लोग डिफ्रैक्शन थ्योरी में भी करने वाले हैं। जहां मैक्सिमम बनेगा वहां पे ये चीज, जहां मिनिमम बनेगा वहां पे ये चीज फॉलो होगी, ताकि आपको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाए कि दोनों एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल थ्रिल एक्सपेरिमेंट में और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में सेम पैटर्न था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। नहीं तो एक में ऐसे कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे, वहां पे जीरो से, फिर एक में वन से, तो वो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसलिए ये एक फिक्स पैटर्न बना दिया आपके लिए कि कंस्ट्रक्टिव के लिए एन 0, 1, 2 एंड सो ऑन, डिस्ट्रक्टिव के लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स आता है वो कितना आता है, 2n-1 λ/2। ये क्या चीज होती है बच्चे, दिस इज द ऑड फिगर, ये आपको ऑड मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू जब जब होगा आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको स्क्रीन पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी या डार्क स्पॉट मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी डार्क स्पॉट, ठीक है जी। तो ये तो है बच्चे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दिया मैंने आपको। अब आज हम लोग करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, थॉमस यंग उनका नाम है, ठीक है। और ये करीब करीब 1801 में ऐसी बातें बता के गए जो सारी दुनिया को हैरत में डाल गए। आपको मालूम है हाइगन थ्योरी बनी थी, हाइगन थ्योरी कब बनी थी,
हाइगन थ्योरी जब बनी थी तो उस समय कोई उनकी थ्योरी को मानने को तैयार नहीं था कि भाई जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, और हाइगन ने अपनी ही थ्योरी दी दुनिया से अलग। उस समय सबसे बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, जो कि बोल के गए कि भाई लाइट जो है वो कॉर्पस्कल से मिलकर बनी है, यानी पार्टिकल से बनी हुई है, वो पार्टिकल इलास्टिक है, हार्ड है, ऐसा कुछ वो बता के गए। तो न्यूटन की बात को सबने माना और हाइगन की बात को कोई नहीं माना। अब हाइगन ने जब एक वो रिसर्च किया तो उसके बाद में बच्चे थॉमस यंग जो है उन्होंने भी एक रिसर्च करी और उन्होंने जो है वो प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं वेव की तरह है। फिर थोड़ा और टाइम बीता, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, सदी के महानायक जिनको बोलते हैं, राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, 1905 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी डाली, जिसके अंदर क्लियर हो गया कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल भी है। वेव कंफर्म था, वेव थ्योरी को इंटरफेरेंस जस्टिफाई करती है, डिफ्रैक्शन जस्टिफाई करती है, लाइट की पोलराइजेशन जस्टिफाई करती है। वेव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फेनोमेना तब तक बन चुके थे, 1900 या 1905 तक। वहां पे आइंस्टाइन ने इसको पार्टिकल भी बोल दिया, कहते यार आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, लेकिन न्यूटन के कुछ आस्पेक्ट गलत थे। तो आइंस्टाइन ने उसकी ऊपर सर्च की और फोटोन पार्टिकल्स को लेके या मान के अपनी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी दे डाली, और उसके लिए उनको नोबेल मिला 1905 के अंदर। तो लाइट का ड्यूल नेचर वहां स्टैब्लिश हो गया कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइट पार्टिकल है, और थर्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लाइट वेव है, एंड संडे इज लेफ्ट फॉर अस टू थिंक कि व्हाट इट इज एक्चुअली, कि वो है क्या असल में, राइट। ऐसा डी ब्रोगली ने बोला था, डी ब्रोगली, ठीक है, या डी मोगली, मोगली पता है आपको। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, तो मार्कर सारे प्यासे बैठे हैं यार, क्या करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग नाम था बच्चे, 1801 के अंदर उन्होंने एक बड़ी ही फैसिनेटिंग या बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी। ये कहते हैं कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। इन्होंने पार्टिकल को मानने से इनकार कर दिया कि भाई पार्टिकल है ही नहीं। तो एट फर्स्ट तो कोई इनकी बात को माना नहीं, बट इन्होंने जब लॉजिक्स दिए तो दुनिया को सोचने मजबूर किया कि हाँ यार ये तो बंदा सही कह रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखो ये क्या कहते हैं, अब आपको थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस सारी मालूम है, कंस्ट्रक्टिव कब होती है, डिस्ट्रक्टिव कब होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही चीजें फॉलो होंगी, लेकिन लेकिन अब मैं ये सब चीजों के डिटेल दोबारा से वहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो हम पहले ही कर चुके 2 दिन लगा के इसके ऊपर, ठीक। अच्छा जी, अब इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था, कोहेरेंट सोर्सेज मालूम है, इंटरफेरेंस के लिए मस्ट कंडीशन है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट कंडीशन है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अब 2-3 लाइट सोर्सेज है यहाँ पे, इससे वेव निकल रही है, उससे निकल रही है, उससे निकल रही है, और इनका सब में इंटरमिक्सिंग हुआ और इंटरफेरेंस बन गया, ऐसे नहीं। कोई भी 2 सोर्सेज इंटरफेरेंस नहीं बना सकते, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कमरे में आपको दिख रहा है कि कहीं ब्राइट कहीं मिनिमम या ब्राइट डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, नहीं, कंप्लीट इल्यूमिनेशन है पूरे कमरे के अंदर, ठीक है। तो ये साबित हो रहा है कि भाई कोई भी 2 लाइट सोर्स, किसी भी तरह के लाइट सोर्स कोहरेंट नहीं हो सकती, और यदि वो कोहरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस बनने का सवाल नहीं होता, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो कोहरेंट सोर्स बनाना जरूरी है फॉर फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, या टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, वो लगाएंगे तभी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा हमें, यानी ब्राइट डार्क इस तरह का पैटर्न मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कोहरेंट सोर्स बनाया। कोहरेंट सोर्स के लिए उन्होंने एक यहाँ पे लाइट का बल्ब लिया, ठीक है, ये लाइट का बल्ब है, और उन्होंने यहाँ पे एक लेंस वगैरह फिट कर दिया, ये लेंस रखा, ठीक है। वैसे लेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, ठीक है, बट इसका सिर्फ इतना पर्पज है कि ये लाइट रेज को, अगर यहाँ पे ये लाइट ऐसे पड़ रही है, ठीक है, तो ये लाइट रेज को क्या कर देता है, कॉलिमेट कर देता है। कॉलिमेट करने का मतलब है कि लाइट को पैरेलल बना देता है, लाइट को पैरेलल बना देता है। अच्छा जी, तो ये लाइट रेज यहाँ पे कॉलिमेट हो गई, कॉलिमेट होने के बाद, कॉलिमेट मतलब पैरेलल हो गई, एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक रखा कार्डबोर्ड। अब इंटरेस्टिंग बात है, क्या रखा, कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड रखा। जब कार्डबोर्ड रखा तो इसका मतलब ये है कि कार्डबोर्ड एक तरह का ऑब्स्टेकल हो गया इन लाइट रेस के लिए, ठीक है, लेकिन कार्डबोर्ड के अंदर उन्होंने जो छोटे छोटे ना छेद कर दिए, कार्डबोर्ड के अंदर उन्होंने 2 छोटे छोटे क्या कर दिए, छेद कर दिए। यार मैं कार्डबोर्ड यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये इन्होंने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और कार्डबोर्ड में 2 स्लिट्स बना दी, ये स्लिट बना दी यहाँ पे एक, ठीक है,
ये एक स्लिट ये बना दी है और एक स्लिट ये बना दी है, ठीक है, इस तरह से एक छेद बना दिया उन्होंने, छेद समझते हो, स्लिट, होल को स्लिट भी बोलते हैं, SLIT स्लिट। जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं, मैंने पांचों उंगलियां जोड़ रखी हैं, इनफैक्ट पांचों नहीं चार, ठीक है, पांचवा तो हमारा थंब है, उसको उंगली नहीं बोल सकते, राइट। तो दो उंगलियों के बीच में देखो, ये जो ओपनिंग है, माइल्ड ओपनिंग है, दैट इज नोन एज स्लिट, इसको हम स्लिट बोल सकते हैं। जैसे दरवाजे होते हैं ना, दरवाजों में ये जो दराज है, ये वाला जो गैपिंग है, दिस इज माइनर ओपनिंग, इसको हम स्लिट बोल सकते हैं। तो इन्होंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे एक पतली सी ब्लेड लेके ना ऐसे एक चीरा मार दिया, इंसिजन मार दिया। अब ये बॉडी पे इंसिजन नहीं है, जो डॉक्टर्स लोग हैं वो इंसिजन मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीरा मार दिया, कट मार दिया, जिससे कि लाइट आर पार जा सके, ठीक है जी। एक और लिया यहाँ पे, दिस इज स्लिट S1 और ये वाली स्लिट हमारी S2 है, दो स्लिट ले। अब यहाँ पे एक इन्होंने रखा स्क्रीन, ये इन्होंने रखा यहाँ पे, थॉमस यंग ने एक स्क्रीन रखा भाई, ये क्या है, हमारा स्क्रीन है, और स्क्रीन के और स्लिट, ये दिस इज कॉल्ड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे हमने दो छेद बना दिए, दो होल्स बना दिए, दो स्लिट्स बना दिए, राइट। इन स्लिट्स की जो चौड़ाई है, इन स्लिट्स की जो चौड़ाई है वो फ्यू मिलीमीटर है, स्लिट की जो चौड़ाई है फ्यू मिलीमीटर है, और इन स्लिट्स के बीच में जो गैपिंग है वो भी फ्यू मिलीमीटर है, यानी कि बहुत पास पास दो छेद बनाए, राइट, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है, पास पास बनाए, राइट। और इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो विड्थ है, वो करीब करीब 10⁻⁴ मीटर, ऐसा थ्योरी में लिखा गया है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो स्लिट का जो प्लेन है, द प्लेन ऑफ स्लिट, यहाँ पे कार्डबोर्ड है, इमेजिन करो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में दो चीरे मार दी ऐसे, दो स्लिट बना दी, सोर्स है यहाँ पे और पीछे स्क्रीन है, पीछे स्क्रीन है, दीवार को आप एज ए स्क्रीन ले सकते हो। यहाँ पे प्लेन ऑफ स्लिट, जिस प्लेन में स्लिट फ्लाई कर रही है, सोर्स, यहां से ये लाइट रेस निकली ऐसे, ऐसे निकली ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल स्लिट्स है, ऐसे निकली, ये लाइट रेस आ रही है, आ रही है, इन स्लिट्स पे पड़ी, पड़ने के बाद में वहां क्या बनेगा स्क्रीन पे, यहाँ एक ओपनिंग, यहाँ एक ओपनिंग, लाइट गई ऐसे स्लिट में से गुजरी, और वहां पे दीवार के ऊपर आपको जहां से लाइट निकलनी चाहिए खाली उसी जगह पे इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए, यानी कि इन स्लिट्स के पीछे जो स्क्रीन है हमारी, बड़ा स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी इज फार फार ग्रेटर देन स्मॉल डी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा है, ये 1.5 मीटर या 1.8 मीटर रखा गया था एक्सपेरिमेंट के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह का अजीबोगरीब पैटर्न मिलता है, ऐसे एक पैटर्न ये बन गया, एक पैटर्न यहाँ पे ये बन गया इस तरह से, ठीक है, एक पैटर्न यहाँ पे ये बन गया, ऐसा कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बना हुआ था स्क्रीन के ऊपर, ये पैटर्न बने हुए थे। ये जो पैटर्न है ना बच्चे, ये पैटर्न क्या है, ब्राइट डार्क ऐसे पैटर्न थे। मैं यहाँ पे इसको, चलो ये दिस इज डार्क, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा काला करके दिखाऊं, समझ लेना इसको अपने आप, ये डार्क है हमारा, ये भी डार्क है, ठीक है, ये जो ऐसे सांप बना रहा हूं ना मैं, दिस इज डार्क, राइट, ये सब डार्क है बच्चे, डी 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 स्टैंड फॉर डार्क, कंफ्यूज हो गए ना, डी इसे डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, और बीच में क्या है, बीच में ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, यानी कि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, या दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, या दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, जैसे मर्जी देख लो, यानी इस तरह का पैटर्न बना, होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था। मैं इसको एक और तरीके से बनाता हूँ, मान लो ये मेरे पास में स्लिट है, अब मैं इसको 2D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने 3D थोड़ा इफेक्ट देने की कोशिश करी है, यहाँ पे ये S1 है और ये S2 है, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ये लाइट यहाँ से आई, ये लाइट यहाँ से आई, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, ये स्क्रीन है। तो होना ये चाहिए था ना कि इस जगह पे ब्राइट स्पॉट, इस जगह पे ब्राइट स्पॉट, BS BS, यही होना चाहिए था, क्योंकि अगर लाइट रे है, अगर लाइट रे है या लाइट पार्टिकल है, तो लाइट जो है बेटा वो ऐसे स्ट्रेट ही चलेगी, यानी कि यहां ब्राइट और आगे अगल बगल सब घनघोर अंधेरा, यानी कि
ब्राइट स्पॉट खाली यहां मिलना चाहिए क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अभी तक हमने यही पढ़ा है रे ऑप्टिक्स के अंदर, राइट। ये लाइट स्ट्रेट आएगी तो यहां पे ब्राइट मिलना चाहिए, अगल बगल सब जगह क्या मिलना चाहिए, परछाई, शैडो। किसकी परछाई? इसकी परछाई ये पड़ जाएगी डार्क, और इसके ऊपर जो है इसकी परछाई डार्क, यानी कि इन दो पॉइंट पे बिल्कुल ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, बाकी और कहीं पे कुछ दिखना नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हुआ ये कि कुछ जगह पे ब्राइट, कुछ जगह पे डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, एक अजीबोगरीब पैटर्न बन गया, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। सेंट्रल में सबसे ब्राइट, यानी कि इनके देखो यहां पे सेंटर में क्या आना चाहिए, सेंटर में अंधेरा आना चाहिए ना, शैडो आना चाहिए, इसकी परछाई पड़नी चाहिए, बट सेंटर में शैडो नहीं था, देयर वाज ब्राइट स्पॉट, देयर वाज ब्राइट स्पॉट ऑन द सेंट्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा यहां बना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ब्राइट स्पॉट। उसके बाद यहां पे अगला से अगला ब्राइट स्पॉट, फिर अगला ब्राइट स्पॉट, फिर अगला ब्राइट स्पॉट, इसी तरह से इधर ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, और इन ब्राइट स्पॉट्स के बीच में क्या था, डार्क। दिस वाज सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट स्पॉट, ठीक है, ये वाला भी ब्राइट स्पॉट, ये वाला भी ब्राइट स्पॉट, ये भी ब्राइट स्पॉट, ये भी ब्राइट स्पॉट, ये भी ब्राइट स्पॉट, और इन ब्राइट्स के बीच में क्या था, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, अजीबोगरीब पैटर्न बना, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। इसने चैलेंज कर दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, अगर वो पार्टिकल होती तो एक टाइम पे दोनों रेज, यहां अगर पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है, मान लो वो दो पार्टिकल चले और यहां यहां पे ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, मल्टीपल ब्राइट मल्टीपल डार्क ऑल्टरनेट पैटर्न पे दिखाई दी, और वो सब के सब ब्राइट कंप्लीट ब्राइट, ब्राइट कंप्लीट ब्राइट, डार्क कंप्लीट डार्क, ब्राइट फुल ब्राइट, जिसकी इंटेंसिटी 4 I0 थी, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में, और डार्क इंटेंसिटी 0, डार्क कंप्लीट डार्क, ऐसा कुछ पैटर्न बन गया, अजीबोगरीब। और जितने ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इनको फ्रिंजेस बोलते हैं, दीज ब्राइट स्पॉट्स, बी स्पॉट्स का मतलब ब्राइट स्पॉट एंड डी स्पॉट का मतलब डार्क स्पॉट, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस बोलते हैं, नया नाम आया आज, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। और इनकी जो चौड़ाई है, ब्राइट स्पॉट की जो चौड़ाई है, ये द चौड़ाई ऑफ दिस ब्राइट स्पॉट, ये चौड़ाई ऑफ दिस डार्क स्पॉट, इनको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। वैसे इसका डेफिनेशन और है, द सेपरेशन बिटवीन, द सक्सेसिव सेपरेशन बिटवीन एनी टू ब्राइट और एनी टू डार्क स्पॉट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो बेटा कुछ इस तरह का पैटर्न जो है थॉमस चेंग के एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला, यानी कि जो हमारी सोच कहती है कि भाई यहां ब्राइट बनना चाहिए, बाकी सब जगह शैडो या परछाई बननी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगर रे होती लाइट तो वैसा होना चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं, वैसे ही होना चाहिए था जैसा हम सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए रे थ्योरी को, रे ऑफ लाइट को चैलेंज हो गया कि तुम रे जो लाइट है वो रे नहीं है, वो कुछ और है। तो ये जो है ये वेव की तरह है, अब इमेजिन करो यहां से वेव्स निकली, ये वेव निकली ऐसे, इस जगह से यहां से भी वेव्स निकली ऐसे करके, ठीक है। अब ये वेव जब दोनों सोर्स से निकल रही है, ठीक है, तो इन वेव्स का क्या होगा, आपस में इंटरमिक्सिंग होगा, ये वेव ऐसे ऐसे ऐसे, इन वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होगा, और जब इंटरफेरेंस होगा तो हमें मालूम है कि ये कुछ होता है, जब इंटरफेरेंस होगा तो ये कुछ होगा, किसी जगह पे दो वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट फॉल करेगा, किसी जगह पे दो वेव्स का क्रेस्ट और ट्रफ फॉल करेगा, जहां क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ फॉल करेगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां क्रेस्ट और ट्रफ मीट करे वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यदि ऐसा होगा तो अपने को क्या मिल जाएंगे, ब्राइट डार्क स्पॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि हुआ यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यंग साहब इस थ्योरी को या इसकी थ्योरी को यूज करके अपने ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट की लोकेशन को बताते हैं, यानी हाउ टू फाइंड द लोकेशन, कि भाई पहला ब्राइट स्पॉट कहां पर है, दूसरा ब्राइट स्पॉट कहां पे है, उसकी लोकेशन अब हम लोग फाइंड करेंगे, यानी अब थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बोले बात समझ आ गई, दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये तो खाली समझाने के लिए बताया आपको, एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम दिया। अब इसमें जो एग्जाम में आता है वो आता है कि भाई पाथ डिफरेंस यहां पे क्या होगा, क्या मैं इसको इरेज कर दूं अभी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल,
इट इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन, तो आप बाद में इसको देख लेना, ठीक है। ये आपको बच्चे एग्जाम में नहीं बना के दिखाना, आपको जो बना के दिखाना है वो ये वाला डायग्राम है जो अभी बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से यंग्स ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। ओके, अब जो है वो मेन है बच्चे, नाउ वी आर डीलिंग विद द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये आखिरी स्टेप है, अभी तक तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को स्टडी कर चुके हैं, अब यंग की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, थॉमस यंग की थ्योरी क्या कहती है। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंगल सोर्स लिया, सिंगल सोर्स से लाइट चली और सामने कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे छेद कर दिए, कार्डबोर्ड में क्या करते हैं, दो छोटे छोटे छेद कर दिए। उन होल्स को अगर मैं यहां से देखूं, ये कार्डबोर्ड है, दो छोटे छोटे छेद है और पीछे एक लाइट के बल्ब है, अगर मैं यहां से खड़के देखूं तो मेरे को तो ये लग रहा है ना कि देयर आर टू सोर्सेस, कार्डबोर्ड से दो होल कर दिए और उसमें से लाइट रेज आ रही है, तो मैं यहां अगर खड़े होकर देखूं तो मुझे थोड़ी पीछे बल्ब दिखाई दे रहा है, मैं तो यही मानूंगा ना मेरे लिए दो सोर्सेज है, दो सोर्सेज सिंगल सोर्स से ऑब्टेन किए, इनको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स, जो कल बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा ही एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है जैसे फ्रेजनल बाइप्रिज्म है, लॉयड्स मिरर है, उससे बनाते हैं, लेकिन वो फिर कभी बात करेंगे, दे आर नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। फिलहाल ये बताया मैंने कि बल्ब लिया, कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में छेद कर दिए और उधर से देखा तो कार्डबोर्ड में तो छोटे छोटे जो होल्स बन रहे हैं दे आर लाइक कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, नियरली सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एंड देयर शुड बी आइदर नो फेज डिफरेंस और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक। चलो जी, तो मैं यहाँ पे एक ये स्लिट बना रहा हूँ बच्चे, ये मेरे पास स्लिट S1 है, राइट, इस तरह से, और यहाँ पे मेरे पास में एक स्लिट है, ये है स्लिट S2, ठीक है जी। यहाँ कोई सोर्स था, यहाँ से ये लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ से ये लाइट रे आई, यहाँ से ये लाइट रे आई, ठीक है, और यहाँ से पे मेरे पास में स्क्रीन है बच्चों, दिस इज द स्क्रीन, ओके, प्लेन ऑफ स्लिट इसको बोलेंगे, इनके और इनके बीच की जो सेपरेशन दैट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कितना है, कैपिटल डी के बराबर है, और दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास में स्मॉल डी है, लिखता हूं यहां पे स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्लिट्स माने होल, और कैपिटल डी इज सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स या प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पंजाबी लोग बोलेंगे स्क्रीन, तो प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है, ठीक है जी। ओके, अब क्या होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई रैंडम पॉइंट है बच्चों, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये वेव चली और यहां पहुंची, पॉइंट पी के ऊपर पहुंची मान लो, ठीक, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, दिस पॉइंट मे बी हेयर 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 एनीवेयर, तो हमें जनरल कंडीशन निकालेंगे ना कि वो पॉइंट पी जो है वहां पे मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, एक जनरल कंडीशन निकाल देंगे और इसमें एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमम है या कौन से ऑर्डर का मिनिमम है वो मिलता जाएगा बाद में, तो एक जनरल अभी रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक। तो ये मेरे पास में एक सेंट्रल लाइन मैंने खींच दी, इसको मैं बोल रहा हूं ओ, सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ स्लिट, जो कि जिसकी परछाई स्क्रीन पे ऐसे बनेगी, ठीक है जी। अब बेटा ये रे यहां पहुंचेगी, ये रे ऐसे बना दो, यहां पे पहुंची यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ रास्ते में डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, यहां से जो रे निकली थी इस तरह से, अब मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं, यहां से रे चली और वहां पहुंची तो कितना डिस्टेंस चला इसने, मान लो ये तुम्हारे पास में S है, तो S S1 plus S1P, ये डिस्टेंस चली, और यहां से रे जब निकली तो वहां पहुंचने के लिए इस स्लिट के थ्रू S S2 S2P, ये डिस्टेंस चली, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो इनको कंसिडर करो चाहे ना करो, तो कट जाना है, तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस आएगा, द पाथ डिफरेंस, मैं यहां लिख रहा हूं द पाथ डिफरेंस, यानी इसको मैं डेल्टा एक्स लिख दूं,
तो क्या आएगा बच्चे मेरे पास, वो आएगा एस टू पी माइनस एस वन पी। देखो भाई भाई ये डिस्टेंस कम है ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे यही मिलेगा पाथ डिफरेंस। अगर ये 10 मीटर है ये 20 मीटर है तो बेटा 20 माइनस 10 करेंगे तभी तो पाथ डिफरेंस आएगा। या एक और तरीका है, यहां से इस जगह से एक परपेंडिकुलर धराम से यहां पे गिरा दो। लो जी परपेंडिकुलर है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली सेम है, क्या बोलो इसको मैं एम बोल देते चलो, तो ये एस वन पी और एम पी सेम होगा, तो यही तो हुआ पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स यहां से लेकर यहां तक यही होगा, बट हमें ये वाला पैटर्न नहीं करना, ऐसा पैटर्न एनसीईआरटी और एससी वर्मा के बुक में दिया हुआ है, अपने को नहीं करना। मैं आपको और मेथड करा रहा हूँ जो थोड़ा सिंपल, ये मेथड थोड़ा सा ना हायर लेवल का मैथ इसमें आता है तो ये नहीं करा रहा हूँ। नॉन मेडिकल वाले तो कर लेंगे, बट नॉन मेडिकल को नहीं देखना हमने, मेडिकल को भी देखना है ठीक है। तो जो आसानी से समझ में आ जाए, जिनको राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ठीक है वो समझ में आ जाए, तो वो वाला मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। है वो भी आसान लेकिन ये ज्यादा आसान, थोड़ा लेंथी है बट आसान। चलिए अब ये जो पॉइंट पी है, यहां से सेंटर से मैंने माना कि भाई ये डिस्टेंस एक्स है, तो सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स मान लिया। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री को यूज करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे स्क्रीन के ऊपर इस जगह से, इसको मैं बोलता हूं एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे स्क्रीन के ऊपर, इसको बोलता हूं मैं एन। अगर ये मिड पॉइंट है प्लेन ऑफ स्लिट का तो बच्चा ये क्या होगा डी बाई टू होगा, और ये भी क्या होगा डी बाई टू होगा, हाफ ऑफ बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली अगर ये डी बाई टू है तो क्या ये भी डी बाई टू होगा, बोलो क्या ये भी डी बाई टू होगा, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा। यानी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू व्हाट डी बाई टू, दिख रहा है ना। अब सॉरी अब देखना ध्यान से, अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, S2P और S1P निकालना है, S2P और S1P निकालना है। S2P कहां पे मेरा, ये रहा S2P, इसको क्वेश्चन नंबर वन बोल देते हैं, ये रहा मेरा S2P। तो बताओ मैं S2P कैसे निकालूंगा। S2P निकालने के लिए मेरे पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल S2P और N ठीक है ना, तो इन इन ट्रायंगल एस टू पी एन, ये वाला ट्राइंगल एस टू पी एन ये वाला, इस ट्राइंगल में ध्यान देना कि एस टू पी की वैल्यू ऐसे बनेगी, एस टू पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाई कौन सी होती है यार वो पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाओ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेटा बेस क्या है मेरा, बेस है एस टू एन, एस टू एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। क्या एस टू एन तुम्हारे पास में कैपिटल डी है, कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा एक्स है और ये कितना है डी बाय टू है, तो ये एक्स प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर। लो जी तो एस टू पी की मेरे पास में क्या वैल्यू आई है, मैं यहां लिख लेता हूं, एस टू पी मेरे पास में आया है बच्चों इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाय टू इसका होल स्क्वायर, और इस सारे का पावर वन बाय टू कर दू, कर दू कोई प्रॉब्लम, वी कैन डू इट ओके। चलो जी तो ये मैंने कर दिया। अब आफ्टर वर्ड सिमिलरली क्या मैं एस वन पी निकाल सकता हूं, सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट एस वन पी, और एस वन पी बनेगा मेरा डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर पावर वन बाय टू। बेटा एस वन पी के लिए मुझे ये वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा, एस वन पी एम ये वाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला, अगर ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो ध्यान देना ये वैल्यू तो सेम होगी एस वन एम इज इक्वल टू, और ये वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, ये x है यहां तक और ये d बाय टू है, तो x में से d बाय टू माइनस करेंगे, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास में x माइनस डी बाय टू ठीक। तो लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, अपने को वो रिजल्ट आ गया, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं इसमें ओके। अब कैसे करें भाई,
तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए तो मेथड अपने को मिल गया है ना। अब हम एक काम करते हैं, इनको सॉल्व कर ले, करें सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट इट बी टू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री, तो बेटा टू कैन बी रिटर्न एज, दो को मैं लिख सकता हूं, दो को मैं लिख सकता हूं कैसे, देखो एस टू पी हमारा है दैट इज, क्या अगर मैं यहां से डी स्क्वायर कॉमन कर लू, तो डी स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो ऊपर क्या है, वन बाय टू है, वन बाय टू का मतलब स्क्वायर रूट, तो बेटा यहां पे डी स्क्वायर है, मैं अगर इसको बाहर निकालता हूं, यहां पे मैं निकाल लेता, चलो ऐसे कर दिया मैंने, अंदर ही रखा अभी, यहां क्या बचेगा वन, भाई इसको बाहर किया क्या बचा, वन बचा ना यहाँ पे, प्लस यहां क्या देगा वन बाय डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाय टू। बेटा थोड़ा बहुत तो मैथ यार करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा ही नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ ही है, लो जी थोड़ा इतना मैथ तो हमें करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहां से डी स्क्वायर कॉमन किया, अभी मैंने पूरा बाहर निकाला, एक बार में बाहर करते तो शायद कंफ्यूजन हो जाती कि भाई बाहर डी कैसे आ गया, इसलिए मैंने पहले अंदर ही रख के इसको अंदर से ही कॉमन कर लिया, डी स्क्वायर लिया, यहाँ पे क्या बचा वन बचा, प्लस वन बाय डी स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस डी बाय होल स्क्वायर, डी बाय टू होल स्क्वायर, सारे की पावर वन बाय टू। अब वन बाय टू मतलब स्क्वायर रूट, अब बेटा स्क्वायर रूट से इसको बाहर करेंगे तो डी आया अब बाहर, अंदर क्या बचा वन प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डी बाय टू पावर टू, इस सारे का ये देखें यही बनेगा, कोई डाउट यहां पे, ओके अच्छा तो ये मेरे पास में एस टू पी आ गया, अब ये एस टू पी आ गया, सिमिलरली एस वन पी निकालेंगे, एस वन पी भी आ जाएगा, एस वन पी आ जाएगा तुम्हारे पास में डी इंटू वन प्लस वन बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी बाय टू स्क्वायर पावर वन बाय टू, सेम तरीके से कर लिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्या सब लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करी है, नहीं स्टडी करी है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं स्टडी करी, बाइनोमियल थ्योरम तो यार आनी चाहिए भाई, बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग बट वो कैसी है बाइनोमियल थ्योरम, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए बेटा, बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है, ये इलेवेंथ मैथ में था, ये कहती है वन प्लस एक्स की पावर एन हो, तुमने उसमें नहीं पढ़ा बट मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, आई रिमेम्बर जब मैंने आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन कराए थे प्लस वन में, तो मैंने कराया था, बट आपका जो प्लस टू का बैच है वो पता नहीं कैसा बैच है, लाइफ ये अब तक मेरी टीचिंग हिस्ट्री में सबसे अच्छा बैच है, ठीक है लाइव चल रहा है मैं नहीं बोल सकता, ठीक है तो वन प्लस एक्स की पावर एन, बाकी तुम जानते हो अच्छे का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये है ऐसा वन प्लस एक्स की पावर एन है राइट, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है एक्सेप्ट एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है एन जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ये फॉर्मूला बनता है वन प्लस एन एक्स, और जो बेटा एक्स है मॉड ऑफ एक्स शुड बी, ये भी याद रखना मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन वन, ये जो एक्स है ना हमारा इसकी वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए, तो देख ले ध्यान से, ये जो टर्म है तुम्हारे पास में ये वाले, ये क्या टर्म है, ये वन प्लस ये सारी टर्म क्या है एक्स है, सारी टर्म क्या है तुम्हारे पास एक्स है, तो वन वन बाय डी स्क्वायर है और डी स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी या स्मॉल डी राइट, तो वन बाय डी स्क्वायर है, तो बेटा ये जो वैल्यू है ओवरऑल क्या होगी लेस देन वन, ये वैल्यू लेस देन वन आएगी तो वहां पे हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, और बाइनोमियल लगा के क्या बन जाएगा, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको ये वाली जो इक्वेशन है एस टू पी क्या मिलेगी, इट वुड बी डी इंटू वन प्लस वन बाय डी स्क्वायर, पावर कितनी है वन बाय टू है ना, तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी वन बाय टू वन प्लस एन एक्स, एन ये है तुम्हारा तो ये आ गया इंटू एक्स प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर, वन बाय टू का काम तमाम हो गया,
वन बाय टू का काम तमाम हो गया, पावर को खत्म करने का बाइनोमियल थ्योरम मेथड है। तो वन बाय टू वन वन प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी थी, वन बाय टू थी, ठीक है। तो वन बाय टू एन, बाकी x, ये सारा क्या है हमारा, ये सारा का सारा हमारा ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये सारा x बच्चे, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, 1 बाय डी स्क्वायर, और d बहुत बड़ा है, d इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू d, स्मॉल d। तो डेफिनेटली बात है ये टर्म बहुत बड़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी बनेगी, एक से बनेगी, करके देखने की जरूरत नहीं है, ये बनेगी, इतना मैथ हमें आता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करें तभी कंफर्म करें, करने को कर भी सकते हो अगर फ्री टाइम है तो, बट बनेगा यही। और S1P भी बनेगा आपका d इंटू वन अपॉन वन प्लस वन बाय टू डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डी बाय टू स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, आगे मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है। अब यहाँ वैल्यूज डालेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ S1P एंड S2P इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बैलेंस पुट करेंगे, यहां तक नोट कर लो जल्दी से कि बात में देखो, चलो डन, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात बोली तुम लोगों ने, कर दो रेस, ओके जी। तो बेटा अब मैं यहां पे इस इक्वेशन को पुट करूंगा, ठीक है, लेटेड बी इक्वेशन नंबर 4 एंड लेटेड बी 5, ठीक है। तो पुट वैल्यूज of 4 and 5 in one put करेंगे, देखें क्या क्या मिलता है। डेल्टा x जो कि पाथ डिफरेंस था हमारा, इट वाज s2p माइनस s1p, तो ये रहा s2p d into 1 plus 1 by 2 d square और x plus d by 2 power 1 by power sorry 2 minus d into 1 plus 1 by 2 d square x माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट खोल दूं और यहां पे मैं d लिख दूं और यहां मैं एक उड़ा दूं ऐसे, क्योंकि d अंदर जाएगा, d से d उड़ेगा, यहां पर भी ये चीज होगी, ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, d बचा यहां पे, साइन चेंज, यहां d ये बन गया। बोलो जी क्या यह बात समझ में आई, कैसे कर दिया सर ने, पक्का ये डी और ये डी उड़ा लग रहा है, पता कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोलिए बस, ठीक। इक्वल्स टू यहां क्या बनेगा, 1/2 d, इसको एक्सपेंड कर ले, क्या बनेगा, या मैं काम करते हैं 1/2 d बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस डी बाय टू इसका स्क्वायर माइनस माइनस क्या बचेगा, एक्स माइनस डी बाय टू इसका स्क्वायर, ठीक है जी। 1/2 d ये फैक्टर था ना, इसको मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा, ये बचा और ये बचा ना बस, इसको खोल दो, 1/2 d ये बना एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x इंटू डी बाय 2 माइनस, इसको खोलो एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट अभी लगा रहे हैं तो कंफ्यूज हो गए, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x डी बाय 2 ब्रैकेट बंद, क्या बेटा मैं आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, अब ब्रैकेट यहां से खोल दो, ये माइनस साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कुछ कट रहा है, समाप्त, 2 से 2 भी उड़ा, इधर 2 से 2 उड़ा, सब उड़ रहा है देखो, इसका जो आसान मेथड है ना शॉर्टकट विदाउट बाइनोमियल है, लेकिन उसमें इतना जबरदस्त लोचा है कि वो तुम्हें समझ नहीं आया कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया, बिलीव मी, इसका शॉर्टकट मैं बच्चों को करवाता रहा हूं लेकिन वो कोई समझ नहीं पाता, सबको वो इलॉजिकल सा लगता है और कहते हैं कि यार तो ऐसे धक्का कर रहे हैं आप, तो मुझे धक्का नहीं करना है, इसलिए मैं प्रॉपर डिटेल वाला मेथड करा रहा हूँ, अदरवाइज का शॉर्टकट है जो एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उसको समझने के लिए सारे लोग नहीं समझ पाते उस चीज को, समझने वाले समझ भी जाते हैं बट मेजोरिटी कहते हैं यार ये कैसे हो गया, धक्के हो गए यहाँ तो मैं वो नहीं कर रहा बच्चे
आप छोटे बच्चे हो सारे, इसलिए जो आप आसानी से समझ पाओ मैं वो करके दिखा रहा हूं। तो बेटा डेल्टा एक्स क्या बना मेरे पास, इट इज 1/2 t, और यहां पे क्या बचा था, ये 2 से 2 उड़ा था, तो यहां एक्स डी और यहां भी एक्स डी, तो एक्स डी प्लस एक्स डी कितना हुआ, 2 एक्स डी, 2 से 2 उड़ा, क्या बना एक्स डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये थॉमस सिंह ने बताया। थॉमस सिंह ने उस थ्योरी को जहां पे मैंने ये निकाला था ये सब, उसके आगे उसको बेस मानते हुए आगे ये कर दिया। अब इन्होंने पोजीशन बता डाली, एक्स क्या है, पोजीशन है किसकी, किसकी, ब्राइट स्पॉट की या डार्क स्पॉट की। अब यहां कंडीशन फिट कर देंगे, डेल्टा एक्स अगर ये होगा तो क्या मिलेगा, ये एक्स ब्राइट, और अगर डेल्टा एक्स ये होगा तो ये क्या बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में या बुक्स में बेटा ये चीजें नहीं लिख रखी है, उन्होंने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया और फिर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लस वन सिलेबस वी ऑब्टेन्ड दीज कंडीशंस इन प्लस वन, और डायरेक्टली यहाँ इम्प्लाई कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं, बट मैंने आपको वो निकाल के दिखाई कैसे निकलती है वो सारी चीजें, ठीक है। तो इन डिटेल चल रहा सारा प्रोसेस। तो बेटा दिस इज अ पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द थॉमस यंग, थॉमस यंग के मुताबिक ये पाथ डिफरेंस है। और जो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बताती है कंस्ट्रक्टिव के लिए या डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो ये है। अब इसको और इसको मर्ज कर देंगे, करें मर्ज, आओ फिर। तो ये अब आखिरी स्टेप है यहां पे नाउ। तो ये पाथ डिफरेंस आगे बचे नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमा क्या कंडीशन बनेगी, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए बच्चे बोलो, इट इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, ये होना चाहिए। डेल्टा एक्स कितना है तुम्हारा, एक्स डी बाय डी, यहां मैं एंथ कर लूं, एंथ का मतलब हो गया एंथ मैक्सिमा, it could be zeroth, it could be first, it could be second or so on, yeah, n times lambda, yahan se bana beta xn ki value banegi n lambda capital d, ye capital d udhar gaya aur small d denominator mein aaya, lo ji this is the position of nth maxima, position of nth maxima, aur n ki value kya rakhenge yahan pe 0 1 2 and 3 And so on. अगर n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, x 0 क्या बनेगा तुम्हारा, 0 0 बनेगा, यानी कि जब दो वेव्स में पाथ डिफरेंस 0 है बेटा, डेल्टा x इज इक्वल टू 0, n 0 करेंगे तो डेल्टा x 0, दो वेव्स में पाथ डिफरेंस 0, यानी कि ये वेव यहां से यहां चलेगी, यहां पहुंचेगी सेंटर पे, और ये वेव भी यहां से यहां पहुंचेगी ऐसे सेंटर पे, तो इन दोनों का रास्ता सेम नहीं हो गया, जब इनका रास्ता सेम तो पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, और यदि ऐसा होगा तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो n 0 इज इक्वल टू, अगर रखते हैं तो मेरे पास में ये आ गई, एंड दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा मिला बच्चों x 0, ठीक। अच्छा अगर n इज इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, देन मेरे को मिलेगा x1, यहां वैल्यू पुट करते हो बस, क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाय डी, दिस इज व्हाट, फर्स्ट मैक्सिमा, किधर प्लस में आ रहा नहीं है, n की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, यहां पे प्लस 1 रखेंगे ऊपर, माइनस 1 रखेंगे नीचे, ऊपर के लिए प्लस नीचे के लिए माइनस, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी ब्राइट स्पॉट बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, इसके नीचे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, ऊपर के लिए प्लस 1, नीचे के लिए अगर माइनस लैम्डा डी बाय डी लिखेंगे तो वो नीचे वाला फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अगर n 2 रखेंगे बच्चों तो x 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 लैम्डा डी डिवाइड बाय डी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज सेकंड मैक्सिमम, n की वैल्यू 3 रखेंगे, x 3 क्या बनेगा, 3 लैम्डा डी बाय डी, ये हमारा क्या बना, थर्ड मैक्सिमम, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न बन गया बच्चे,
ठीक है, ये पैटर्न बन गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। देखो बच्चे, तो थॉमस यंग ने इस थ्योरी का इस्तेमाल करके आगे जो है पोजीशन बता डाली कि भाई कहाँ पे आपका मैक्सिमम बनेगा, कहाँ पे आपका मिनिमम बनेगा। देखो कितनी अच्छी थ्योरी है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ बनेगा, ये तो बताता है ना कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे बन रहा है, ये बताते हैं कि कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ये अपने आप में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भाई इतने सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर तो खैर क्या मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में ही बनता है, इतने मिलीमीटर पे ये वाला मैक्सिमा, इतने मिलीमीटर पे ये वाला डार्क स्पॉट, इतने मिलीमीटर पे ये वाला डार्क स्पॉट, वगैरह वगैरह, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर मिनिमा क्या मिलेगा मेरे को, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाय टू, ये है कंडीशन। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, यहाँ एक्स एंथ कर दूं मैं, एंथ डार्क स्पॉट, एंथ डार्क स्पॉट या एंथ डार्क फ्रिंज, ये करेंगे 2n माइनस वन लैम्डा बाय टू, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो एक्स एंथ बना बनेगा 2n माइनस वन लैम्डा, ये d ऊपर गया 2d। छापो यहां पे n इज नॉट इक्वल टू जीरो, n की वैल्यू वन टू थ्री करेंगे, n नॉट जीरो मतलब n जीरो तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन थी, n जीरो तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन थी। चले आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं n इज इक्वल टू वन करता हूं, जीरो नहीं कर सकते ना, n वन करता हूं बेटा तो क्या बनेगा, x वन वुड बी इक्वल टू टू इंटू वन, क्या बनेगा लैम्डा डी बाय टू डी। एक्स टू करता हूं क्या बनेगा, एन टू के लिए टू लैम्डा डी नहीं फोर सॉरी थ्री थ्री लैम्डा डी डिवाइड बाय टू डी, ये मेरा क्या है फर्स्ट डार्क स्पॉट, ये मेरा क्या है सेकेंड डार्क स्पॉट, फिर एन थ्री करता हूं मैं तो एक्स थ्री मिलेगा मेरे को फाइव लैम्डा डी डिवाइड बाय टू डी। ठीक है, दिस इज व्हाट थर्ड डार्क स्पॉट। तो आपको अगर ये फॉर्मूले डायरेक्टली जो मैंने डिब्बे में बंद किए, अगर ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर लो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। नहीं याद कर पाते तो तुम्हारी जिंदगी राम भरोसे से, ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो बोलेगा कि भाई पहला मैक्सिमा या सेकेंड मैक्सिमा या पांचवा मिनिमा कहाँ बन रहा है निकाल के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पांचवा मैक्सिमा बोल रहा है तो n की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी। थर्ड में मैक्सिमा ये है, पांचवे के लिए फाइव लैम्डा डी बाय डी बनेगा। यानी अगर ये चीजें याद रहेंगे ना, ये थ्योरी याद रहेगी तभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं सर समझ में आ रही है, नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि थ्योरी हमने रट्टे मार ली है, रट्टे मारना तो कोई भी कर लेगा है ना, यहाँ रट्टा नहीं मार सकते आप, इसको अगर समझना है तभी समझोगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स बना पाओगे, न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, बिलीव मी, थ्योरी बेस्ड है सब कुछ। ओके क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अगला आता है बच्चे फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ अगला पॉइंट है मेरे पास, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ आज खत्म करके दम लेंगे इसको, फ्रिंज विड्थ डज नॉट मैटर, फ्रिंज विड्थ ध्यान दो इधर बस तुम, फ्रिंज विड्थ इसको हम लिखते हैं बीटा, इट इज द सक्सेसिव, इट इज द सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स। जैसे कि ये लो, ये मेरे पास में मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, यहाँ पे डिब्बा बनाया मैंने, ठीक है, डिब्बे में ये है एक, एक ये है, यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, डब्बा रहने देते बनाने को, डब्बा कॉजेस कंफ्यूजन, ठीक है, एक ये बनाया मैंने, एक मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक मैंने ये बना दिया यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है बच्चे, ये है मेरा, ये मेरा क्या है भाई बोलो,
वेरी गुड, डार्क नहीं तो ब्राइट है, मैंने लिखा कहीं पे ये डार्क स्पॉट है, ठीक है, और बीच में ब्राइट स्पॉट। क्या बोला? सप्रेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट, या एक ब्राइट और एक डार्क स्पॉट, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डार्क है बच्चे, ये डार्क, डार्क टू डार्क यानी बिल्कुल कंजक्टिव डार्क के बीच की जो चौड़ाई है या जो बीच की सेपरेशन है वो क्या है हमारा? बीटा है। दो डार्क है, ठीक है, डार्क से डार्क के बीच में, या दो ब्राइट है, ये रहा ब्राइट और ये रहा ब्राइट, इनके बीच की जो सेपरेशन है ये भी क्या है? बीटा है। एनी टू ब्राइट और एनी टू डार्क, और एनी टू नहीं बोल सकते यहां पे, कंसेक्यूटिव साथ वाली, ऐसे नहीं कि ये वाली डार्क और ये वाली डार्क, एनी टू नहीं, वो गलत हो जाएगा। सक्सेसिव डार्क सक्सेसिव ब्राइट, ये कंसेक्यूटिव डार्क कंसेक्यूटिव ब्राइट, या आप ऐसे बोल देते हैं कि ये ब्राइट और ये डार्क, ये भी बीटा ही है, डार्क और ब्राइट। प्रूफ कर सकते हैं इस बात को, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ब्राइट स्पॉट के लिए देखो प्रूफ, और इसकी वैल्यू क्या आती है, देखो, फॉर टू कंजक्टिव ब्राइट स्पॉट्स, कौन कौन से ब्राइट स्पॉट ले ले, चलो बोलो, पहला मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा ले ले, ले ले पहला सेकंड मैक्सिमा, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं यहां पे X2 - X1 कर दूं, यही बीटा है। X2 क्या है मेरा? 2XD डिवाइड बाय, सॉरी क्या है ये? 2 λd/d - λd/d, ये λd/d ही आएगा, रखें नहीं तो करके देख लो। सेंट्रल मैक्सिमा और X1 इनके बीच की सेपरेशन λd/d, 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 इनके बीच की सेपरेशन भी λd/d ही होगा, यकीन नहीं करके देख लो। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई फिक्स रहती है, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, ठीक है, क्लियर है? चाहे मैं इसको ऐसे करूं, चाहे मैं बीटा इज इक्वल टू X1 - X0 करूं, चाहे मैं बीटा इज इक्वल टू X3 - X2 करूं, जो मर्जी करूं, इन सब का रिजल्ट सेम आएगा, इन सब का रिजल्ट सेम आएगा ये वाला। एंड सिमिलरली सिमिलरली फॉर डार्क स्पॉट्स, बेटा डार्क स्पॉट्स के लिए भी जो बीटा है, फ्रिंज विड्थ है, वो λd/d ही बनेगा। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, X2 - X1 करेंगे, λd/d ही आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, λd/d ही आएगा, यकीन हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, तो रिकॉर्डिंग हो रही, करके दिखाई देते हैं। X2 - X1 डार्क के लिए, फॉर डार्क स्पॉट, ये बनेगा मेरे पास में 3λd/d 2d - λd/2d, यहां से λd/2d कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचा? 3 - 1 ही बचा, 3 - 1 ही बचा, तो ये λd/2d इंटू 2 बचा, तो 2 से 2 उड़ा दो, λd/d बचा। जो मर्जी करके देखो, कोई भी दो ब्राइट कोई भी दो डार्क, या एक ब्राइट एक डार्क के बीच की सेपरेशन बीटा है, फ्रिंज विड्थ है, और बीटा का जो फॉर्मूला है, बीटा का जो फॉर्मूला है λd/d है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी फ्रिंज की चौड़ाई किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मोर स्लिट सेपरेशन लेसर द विड्थ। इसको कल एनालाइज करेंगे, इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे, कल इसके ऊपर बात करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डन फॉर टुडे।